हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। शुभ मंगलम सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स भारत वर्ष का स्वर्ण तीर। जळगाव जिल्ह्यातील तापी, गिरणा व अंजनी या तीन नद्यांच्या त्रिवेणी संगमावर असलेल्या रामेश्वर या तीर्थक्षेत्रावर श्रावण मासानिमित्त शेकडो भाविक दर्शनाला येत असतात आणि दर श्रावण सोमवारी या ठिकाणी यात्रा भरते। जळगाव जिल्ह्यातील गाढोदा या गावाजवळ असलेल्या तापी, गिरणा व अंजनी या तीन नद्यांच्या त्रिवेणी संगमावर वसलेले हे रामेश्वर मंदिर आहे। या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच गाभाऱ्यात महादेवाच्या दोन शिवलिंग आहेत। प्रभू श्री रामचंद्र व लक्ष्मण वनवासात जात असताना या ठिकाणी विश्रांती करता थांबले होते आणि त्यावेळी प्रभू श्री रामचंद्र लक्ष्मण यांनी शिव उपासनेसाठी या शिवलिंगाची स्थापना केली होती, म्हणून या मंदिराच्या गाभाऱ्यात दोन शिवलिंग स्थापित झाले आहेत। यावरून रामेश्वर म्हणून या मंदिराची ओळख आहे। राजा दशरथ यांची दशक्रिया या स्थानावर झाली असा उल्लेख पुराणात सापडतो। तसेच विश्वामित्र ऋषी यांनी याच ठिकाणी गायत्री यज्ञ केला होता, त्यामुळे आजही खोदकाम केले असता या परिसरात रक्षा निघते। इसवी सन 1200 मध्ये देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता। दक्षिण भारत नंतर दोन शिवलिंग असलेले हे महाराष्ट्रातील एकमेव मंदिर आहे। विशेष म्हणजे तापी, गिरणा आणि अंजनी या नद्यांच्या संगमामुळे या क्षेत्राला ओंकाराचा आकार असून ओंकाराच्या बिंदूवर हे महादेवाचे मंदिर असल्याने या मंदिरास अनन्य साधारण महत्व आहे। या मंदिराचा जीर्णोद्धार सद्यस्थितीत सुरू असून लॉकडाऊनमुळे श्रावण महिन्यात होणारी यात्रा ही या वर्षी संस्थानच्या वतीने रद्द केली आहे। जळगावहून धर्मेंद्र सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज मराठी। मैं नारायण स्वामी और ये मंदिर बहुत प्राचीनतम मंदिर में से एक है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है और जहाँ एकमेव दो शिवलिंग आज स्थापित किया है और दोनों शिवलिंग भगवान प्रभु रामचंद्र जी और जानकी मैया के हाथ से एक और अनुज लक्ष्मण के हाथ से दूसरा, इस तरह से इसकी प्राण प्रतिष्ठित की गई है और स्वयं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया है। उन्होंने यह बहुत बड़ा गायत्री का यज्ञ किया था और वो यज्ञ की रक्षा भी आज यहाँ मिलती है तापी किनारे। और ये बहुत मनोरम्य जगह है, ये त्रिवेणी संगम है, ताप्ती, गिरना, अंजनी, ये तीन नदियों का संगम है। जहाँ तीन नदियों का संगम होता है वहाँ तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य इसको प्राप्त है। और तापी यहाँ दक्षिण वाहिनी होने के कारण से ओम की आकृति लेती है और ये मंदिर बिल्कुल ओम के बिंदु स्थान में स्थापित है। और ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जहाँ ओंकार बिंदु संयुक्त रूप से मंदिर होता है उस मंदिर में अर्चना करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, कोई भी आराधना करने से, अभिषेक करने से उसको मन की कामनाओं को और मोक्ष को प्राप्त करने का महत्व रखता है। ऐसा एकमेव मंदिर एक ओंकार के बिंदु में स्थापित श्री रामेश्वरम मंदिर है। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना? यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।